वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज से हमने इतिहास के क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है। आज हम लोग वैदिक काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। इसका आंसर है पशुपालन। क्वेश्चन नंबर टू, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या कोई नहीं। आंसर है इसका बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, कठ उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका आंसर है ए मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर है बी अतरंजिखरा। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका आंसर है डी सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। सिक्स का ए मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीता गोविंद, कोई नहीं। सेवन का बी श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद से संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर एट गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल से शूद्र का उल्लेख प्रथम बार मिलता है? सातवें, आठवें, नौवें, दसवें। इसका आंसर है दसवें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। 18 पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। इसका आंसर है प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 12, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। इसका आंसर है इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से की संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। इसके आंसर है ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 14, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका आंसर है ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए सिंधु, बी गंगा, सी सरस्वती, डी सतुद्री। इसके आंसर है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? काशी के, केकई के, पंचाल के, विदेह के। इसका आंसर है केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। इसके आंसर होंगे अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्वी मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। इसके आंसर है सांख्य दर्शन। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या कोई नहीं। इसका आंसर होंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, इसे सुमेलित करना है। अथर्ववेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ईश्वर महिमा, बलिदान, विधि, औषधि से संबंधित और संगीत। इसका आंसर होगा ए 3124। अथर्वेद औषधि से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद औषधि से, बलिदान विधि से और सामवेद संगीत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। चरक संहिता नामक पुस्तक किस संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। सी चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है उपनिषद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से। इसका आंसर होगा यजुर्वेद से। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार। लोहार आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। इसे सुमिलित करना है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। इसके आंसर, इसके ऑप्शन है वन बी आयुर्वेद के, आयुर्वेद के इसके हैं, धनुर्वेद के, यजुर्वेद में, गंधर्ववेद, सामवेद में और शिल्पवेद, अथर्ववेद में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसके ऑप्शन है ए और बी, दो ही ऑप्शन है। आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है, उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से आई। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।